आभार अभिनंदन सुस्वागतम। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने सीरीज़ का पहला पार्ट किया था और आज हम सीरीज़ का पार्ट टू करेंगे। कल हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट किए थे छोटे छोटे, और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो तीन छः 11 18, और ये आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या होगा। जैसे कि इसको हम ये देखिए, जैसे कि एक मिनट भाई। अब ठीक है। जैसे ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 इसका 6 हो गया, 6 + 5 तो 11 हो गया, 11 + 7 तो 18 हो गया। देखिए, हमने आपको कल कुछ इसके कॉन्सेप्ट बताए थे कि इसमें, तो वे आप कल भी अर्ली वीडियो से देख लीजिए। जैसे कि इसमें 1 3 5 और 7 सबके सब क्या है, ऑड नंबर है, या आप इन्हें प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर तो आप जानते हो कि जो खुद से या एक से कटता है, तो इसमें अगला नंबर भी ये ऑड नंबर होगा, ये सब ऑड नंबर है। तो ये देखिए, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, लेकिन हमें इससे अगला नहीं पता भी ऑड है या प्राइम है, तो हम इसे ऑड ही मान के चलेंगे। तो ऑड में +9 होगा, तो इसका सही जवाब 27 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो वो बताइए हमको, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे कि 2 5 11 और ये यहाँ पर खाली है क्वेश्चन मार्क, 23 और 31। तो इसमें बताइए इसमें क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि ये सब नंबर 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 23 भी और 31 भी। जैसे कि मैंने बताया था भी, प्राइम नंबर होते हुए है जो खुद से या एक से कटते हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे बाद में 5, उससे बाद में 11, उससे बाद में पता है क्या कटता है। जैसे कि इसके ऑप्शन भी हम डाल देते हैं, ए ऑप्शन 12 13, और इसका सी ऑप्शन है 17, और डी ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो बताइए, जैसे कि ये आप जानते हैं कि 13 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 13 भी आ सकता है और 17 भी आ सकता है, तो ये दो संख्या आएगी यहाँ पर, तो इसका आंसर डी होगा, डी होगा, बी एंड सी बोथ। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 9 ये खाली, 23 90 185 और 375। ये देखिए, इसे बताइए, जैसे ये 4 9 यहाँ पर मिसिंग है, ये बताना है आपको, 43 90 185 375। जैसे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखिए, 4 × 2 + 1। अभी आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। तो ये 43 × 2 + 4, इसी प्रकार से 19 × 2 + 5। तो देखिए, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 आ गया यहाँ पर, 43 × 2 = 86 और 4 = 90, 90 × 180 और 5 = 85। तो इसी प्रकार से 9 × 2 + 1 + 2, जब एक अक बढ़ रहा है ना ये एक अक, तो 9 × 2 + 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20।
अब इसको भी चेक कीजिए, 20 गुणा 2 प्लस 3, तो ये सीरीज क्या चल रही है, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2, यहाँ गुणा 2 प्लस 3, तो ये इस प्रकार से आपकी सीरीज चल रही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, इसका सही जवाब 20 होगा। तो अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम 177, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 177, 174, 165, यहाँ पर ये मिसिंग है, और यहाँ पर 57, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे कि इसका हम जानते हैं ये कितने माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर -3 और 3 की पावर 1, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 और 3 की पावर 2 यानी 9। 174 में 65 घटाएंगे तो 9 बचेगा, वही इसमें घट रहा है, तो इसी प्रकार से 9 और 9 की क्यूब 27। तो अब इसको घटा के देखिए, 27, 165 में 27 जाएंगे 138, तो इसका सही जवाब 138 होगा। और अगर आप 138 में से 3 की पावर 4 यानी 81 घटाएंगे तो इसका ये घटकर 57 ही आएगा, यानी कि हमारी सीरीज सही है। तो आइए जानते हैं पांचवा सवाल, जैसे कि हमारा पांचवा सवाल बहुत अच्छा है, 2, 1, 1/2 और 1/4, और ये यहाँ पर लास्ट का मिसिंग है। जैसे कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में आधा हो गया यानी डिवाइड बाय 2, इसी प्रकार से यहाँ से डिवाइड बाय 2, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर भी आधा होगा, तो डिवाइड बाय 2 करके 1/8 इसका सही जवाब होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसमें सब में हाफ हाफ है, इसमें 3 का क्यूब माइनस हो रहा है। और अभी हम अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सवाल भी बहुत अच्छा है, 6th क्वेश्चन 101, 100, ये मिसिंग है, ये 87 और ये 71। जैसे कि यहाँ पर आने में 1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर आने में 2 का स्क्वायर माइनस होगा, तो यहाँ पर 96 आएगा, इसी प्रकार यहाँ से आने में 3 का स्क्वायर माइनस होगा, तो ये 87 आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस होने में, इसी प्रकार यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस होगा, तो यहाँ 96 होगा इसका सही जवाब। तो बताइए क्वेश्चन आपको समझ आया है नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मार्क्स कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में, जब हम अगली वीडियो शुरू करेंगे तीसरा पार्ट रीजनिंग का, तो आपको उस क्वेश्चन का सबसे पहले वीडियो के सबसे शुरू में ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके ये समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं। भाई सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फिलहाल। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 4, 9, 20, 43, और ये इससे नेक्स्ट पूछा है। जैसे कि इसमें सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इसी प्रकार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इसी प्रकार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 होगा, तो इसका सही जवाब 90 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, 90। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी वीडियो में आएगा, आपकी आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
जैसे ये 15, 35, 63, 99, और ये आपको मिसिंग है तो बताइए। जैसे कि इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा, 4 का स्क्वायर -1, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर -1, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर -1, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर -1। देखिए इसमें सब ये इवन नंबर है, 2 और 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी और 10 भी, और सब का स्क्वायर हो गया -1 हो रहा है। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर और ये -1, तो इसका आंसर 143 इसका सही जवाब होगा। तो वही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है 35, 33, 28, 26 और 21, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि देखिए इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है, 35 से 33 में जाने -2, फिर -5, फिर -2, फिर -5, अब की बार फिर -2 होगा, तो इसका सही जवाब 19 होगा, 19 इसका सही जवाब होगा। अगर आपको भाई वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। जैसे कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 14, 28, 20, 40, 32, 64, और ये आपसे पूछा है भाई, इनमें से आपको एक क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी SSR में ज़रूर मिलेगा। जैसे देखे 14 × 2 28 होता है, 28 से -8, ठीक है, इसी प्रकार 20 × 2 40, 40 में से -8, इसी प्रकार 32 × 64, और ये देखिए यहाँ पर -8 करेंगे तो 56 इसका सही जवाब होगा। ये सीरीज ऐसे भी आ सकती है, या देखिए इसको हटा दीजिए आप अभी, तो 14 × तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि हमने ये वाला किया था, ये वाला गुणा 2 और प्लस माइनस। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है अभी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, 58, 52, 46, 40 और 34। अब ये मिसिंग नंबर पूछा है आपसे, जैसे कि इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है -6, -6, -6 और -6, तो अब भी -6 होगा, तो 28 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है भाई, और यही इतने ही आसान क्वेश्चन आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में मिलेंगे। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ऑफ एवरीथिंक के नाम से है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, दो, सात, 17, 32, 52, 77 और ये मिसिंग नंबर। जैसे देखिए इसमें 5 प्लस है, इसमें 10 प्लस है, इसमें 15, इसमें 20, इसी प्रकार से इसमें 25, इसी प्रकार से इसमें 30 प्लस होगा, तो इसमें 5 का मल्टीपल का प्लस हो रहा है, तो इसका जवाब 107 होगा। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम, जब सब कर रही है बहुत आसानी से, आप भी इतनी आसानी से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1, 2, 6,
24 और ये मिसिंग नंबर है और ये 702। तो देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन मिले। इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 होगा, तो 24 पंजे होता है भाई 120। आपकी रीजनिंग में कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से 120 चिक्का हो जाएंगे 720। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, दो नौ 28, 65, और ये इसका मिसिंग नंबर बताना है आपको। जैसे कि देखें इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1 की क्यूब प्लस 1, इसी प्रकार 2 की क्यूब प्लस 1, इसी प्रकार 3 की क्यूब प्लस 1, यहाँ पर 4 की क्यूब प्लस 1, और यहीं इसी प्रकार यहाँ पर 5 की क्यूब प्लस 1 होगा, और इसका जवाब 126 होगा। 126 इसका सही जवाब होगा। तो एक सवाल और करते हैं जो आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल होगा। जैसे कि एक सवाल करते हैं, दस वन जीरो टेन कोमा लगा दीजिए आप, इसी प्रकार 20 और यहाँ पर 420, इसी प्रकार 30 बताइए क्या होगा। ये इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है 10 का स्क्वायर और प्लस जिसका स्क्वायर है उतना ही इसमें ऐड करना है, 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो 110। इसी प्रकार 20 का स्क्वायर प्लस 20, 420 हो गया इसका, 20 का स्क्वायर भाई 400 और प्लस 20, तो 420 हो गया जोड़कर। इसी प्रकार 30 का स्क्वायर और प्लस 30, तो 30 का स्क्वायर होगा 900 और प्लस 30, तो 930 इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आज हमने 15 क्वेश्चन किए सीरीज के, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम इसके ABCD वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे कि मैं कल ही बताऊंगा आपको, जैसे कि उसमें संख्या के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसे कि ये 3F, 6J, 11K कुछ इस टाइप में मिलेगा। ये आपको नंबर के तो करने ही हैं सोल्व, साथ साथ में आपको अल्फ़ाबेट भी सोल्व करने हैं। तो हम आपको बिल्कुल शुरुआत से लेंगे, जीरो से, और आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बॉक्स में हमें लिख कर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इनके और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।